अपना मॉड्यूल 09 रिलेटिव मोशन का अपना अभी भी वही चल रहा है, क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच। एक एग्जांपल अपन कर चुके हैं, उसमें आपको दो मेथड बताए थे। इस क्वेश्चन को भी अपन दो मेथड से ही करने की कोशिश करेंगे, है ना। दो ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट वन है, एक ऑब्जेक्ट टू है। दोनों के बीच जो डिस्टेंस है वो 10 किलोमीटर है। टू वन की तरफ जा रहा है 20 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से, और वन इधर जा रहा है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। दो चीज़ें निकालनी है आपको, एक तो डी शॉर्ट चाहिए आपको, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और एक को टाइम चाहिए आपको। करना वही है, किसी एक को रेस्ट पे कर लीजिए। मैंने वन को रेस्ट पे कर लिया, वन रेस्ट, दिस इज टू। टू इधर जा रहा है आपका 20 से, और अगर वन को रेस्ट पे किया तो इसकी जो वेलोसिटी है वो उल्टी करके इसको दे देंगे, नथिंग सीरियस। वन के रेस्पेक्ट में टू इस लाइन पे जाएगा, ये भी 20 है, ये भी 20 है। टेन थीटा कितना होगा सर आपका? 45। ठीक है, वन से इस लाइन पे जिस पे टू जा रहा है परपेंडिकुलर डाल दीजिए। दिस इज डी शॉर्ट, यही आपको चाहिए। ठीक है, वी रिलेटिव इस तरफ होगी आपकी, है ना। ये वन है, ये टू है, इसको 3 बोल दे, 0.3। डी शॉर्ट क्या होगा आपके पास? डी शॉर्ट होगा आपके पास, ये कितना है आपका? 10 किलोमीटर। ये कितना है? 45। दैट इज 10 sin 45। 10/√2, 5√2 किलोमीटर। दूसरा आपसे पूछ रहा है टाइम कितना रहेगा। टाइम के लिए इस रास्ते पे जा रहे हो ना आप, 2 से 3 तक पहुंचने का समय, 2 से 3 तक का डिस्टेंस अपॉन 2 से 3 तक का जाने के लिए जो वेलोसिटी अपन ने यूज़ करी वो, दैट इज वी रिलेटिव। 2 से 3 का ये डिस्टेंस कितना होगा? 10 cos 45। वी रिलेटिव कितनी होगी? 20 यूं 20 यूं, 20 20। ये कितनी होगी सर? 20√2, 20√2। नीचे कितना हो जाएगा? 10/400, सॉरी 10/40, सॉरी, तो 1/4 और 15 मिनट्स, 15 मिनट लगेंगे साहब। तो दोनों आसान है, मतलब ऐसा कोई आफत नहीं आ रहा, ये अपन ने सोल्यूशन भी कर दिया। एक को रेस्ट पे कर दीजिए, एक को रेस्ट पे करने के बाद उसकी जो वेलोसिटी है वो उल्टी करके दूसरे को दे दीजिए। सेकंड मेथड भी अपन करने की कोशिश करते हैं, उससे भी शायद आंसर यही आए, चेक कर लेते हैं। मेथड टू है ना, ये वन है, ये टू है, इधर कितना है? 20, इधर कितना है? 20। ये डिस्टेंस कितनी है? 10 किलोमीटर। एज्यूम कर लीजिए, एज्यूम आफ्टर टाइम टी डिस्टेंस बिटवीन वन एंड टू, डिस्टेंस बिटवीन वन एंड टू इज क्लोजेस्ट। तो टी टाइम में वन कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा? 20 टी, यहाँ पहुँच गया 1 डैश। टू कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा? 20 टी। तो 1 डैश और 2 डैश के बीच में, अच्छा ये डिस्टेंस कितनी बचेगी? 20 टी ये है, टोटल कितना है? 10। तो 10 - 20 टी, तो ये डिस्टेंस कितनी बची? ये बची तुम्हारी s 20 टी का होल स्क्वायर, s² 10 - 20 टी का होल स्क्वायर। फॉर मैक्सिमा और मिनिमा अपन क्या करते हैं? डिफरेंशिएट करके 0 कर देते हैं। तो d² / dt इक्वल्स टू 0, 220 t इंटू 20 माइनस 2 प्लस 10 - 20 t -20 इक्वल्स टू 0। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 20 से 20 कैंसिल हो गया, एक माइनस रह गया इधर, ध्यान रखना। 20 t - 10 प्लस
20t इक्वल्स टू 0, 40t इक्वल्स टू 10, t इक्वल्स टू 1/4 आवर और 15 मिनट्स, वही आया सब। जो ही t इक्वल्स टू 1/4 आया, उसको आप यहाँ रखिए, s मिनिमम आ जाएगा। और s मिनिमम मुझे पता नहीं कितना आ रहा है, मैं निकाल नहीं रहा, पीछे से देख के लिख रहा हूँ। 5√2 किलोमीटर टाइम आ गया है, तो s मिनिमम भी आ ही जाएगा, दैट इज़ 5√2 किलोमीटर। जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो वो मेथड आप यूज़ कीजिए, कोई आपको उफन बट नहीं है। दोनों ही मेथड हर जगह एप्लीकेबल है, दोनों ही मेथड हर जगह एप्लीकेबल है। एक एग्जाम्पल और ले रहे हैं अपन, दो पार्टिकल है, एक ए ले लिया है एक बी ले लिया है, ये इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, ये ए है और ये बी है। ये डिस्टेंस 30 मीटर है और ये डिस्टेंस 40 मीटर है। ये इधर जा रहा है ए ओ की तरफ 10 मीटर पर सेकेंड से, और बी जो है वो ओ की तरफ जा रहा है आई थिंक 20 मीटर पर सेकेंड से। दो चीज़ें निकालनी, एक ही चीज़ निकाल दीजिए, तो क्या निकालना, बार बार डी शॉर्ट करने का तरीका वही, जैसा आपको ठीक लगे वैसा कीजिए। मैं एक ही तरीके से करूँगा, मैं किसी एक को रेस्ट पे कर देता हूँ, मैं मानता हूँ कि बी रेस्ट पे है। जो ही बी रेस्ट पे हुआ, ए की जो वेलोसिटी, सॉरी बी की जो वेलोसिटी है वो ए को दे दी है उल्टी करके, दैट इज 20, इधर क्या होगा 10, है ना। तो बी के रेस्पेक्ट में ए जो है वो यूं जाएगा, ऊपर से निकल जाएगा। बोले पता कैसे चला, अरे पता चल ही जाता है। ये कितना है थीटा, ये कितना है सर आपका 40, यहाँ तक 40। ये कितना है सर आपका 30, आपको 10 थीटा मिल जाएगा। 10 थीटा आपको मिलेगा, ये 20 है ये 10 है, 20/10 ये कितना होगा 2, ये 30 है। तो जहाँ पे ये दोनों टच करेंगे, मैं ज़रा सा एक पेज और ले लूँ, जहाँ पे दोनों ये टच करेंगे, टच करते हुए प्रतीत होंगे, वो ये पॉइंट है। अगर ये 30 है तो ये कितना होगा 30 10 थीटा, दैट इज 60। 60 है इसलिए इस पॉइंट बी से ऊपर से निकल गया। बाकी सारे केसेस में जो ये जो लाइन थी जिस पे कि जो बी के रेस्पेक्ट में ए चलेगा, वो हमेशा बी के नीचे से जा रही थी, लेकिन यहाँ पे सिचुएशन थोड़ी अलग है। तो ये 60 है, ये 40 है, बेटा ये कितना बचा, ये वाला 20। डी बी के रेस्पेक्ट में ए इस लाइन पे जा रहा है, आपको परपेंडिकुलर डाल दीजिए, तो शॉर्टेस्ट तो ये होगा, डी शॉर्ट, ठीक है। ये 20 है, ये 20 है, ये परपेंडिकुलर है, ये 90 माइनस थीटा होगा, ये थीटा होगा, ये क्या होगा सर थीटा। तो डी शॉर्ट क्या हो गया सर आपका, डी शॉर्ट हो गया आपके पास 20 sin थीटा, थीटा 2/1√5, 20, एक मिनट है ना, साइन थीटा होगा कॉस थीटा हो, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू बी डी ई, बी ई अपॉन परपेंडिकुलर के सामने वाला 20, तो बी ई इक्वल्स टू 20 cos थीटा, बी ई इज इक्वल्स टू 20 cos थीटा। तो साइन थीटा ना होके क्या होगा सर cos थीटा कितना, 1/√5, 1/√5, इसको क्या लिख दें अपन, ठीक है, तो 4√5 मीटर इज शॉर्टेस्ट, ठीक है। फाइन, एक लास्ट सिंपल सा क्वेश्चन और ले लेंगे, रहने दें, इट्स ओके, फाइन।